हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मोबाइल में जो आपका स्पीड मीटर होता है, वह इंटरनेट स्पीड मीटर, उसको आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता नहीं चलता, अगर आप लोग के फ़ोन में इंटरनेट स्पीड मीटर ऑन नहीं होता है तो आप लोग को पता नहीं चलता है कि आपके फ़ोन में जो है अभी कितनी स्पीड आ रही है और कितनी स्पीड से आपका इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में जो इंटरनेट स्पीड मीटर है, इसको आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड मीटर को इनेबल करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आप लोग इजीली जो है जान जाएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल में, किसी भी तरीके का मोबाइल होता है, उसमें आप लोग इंटरनेट स्पीड मीटर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे इस टेक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी ये मेरा फ़ोन है, इसमें कोई भी यहाँ पे जो स्पीड वाला आइकन नहीं आ रहा है। तो इसमें मैं लेके आना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाता हूँ प्ले स्टोर पे और यहाँ पे आप लोग टाइप कर दीजिए प्ले स्टोर पे स्पीड मीटर लाइट, ये कीवर्ड आप लोग टाइप करके सर्च कर दीजिए, ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और इस एप्लीकेशन की लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद एप्लीकेशन को आप लोग करेंगे फटाफट से ओपन, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो आइकन आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है 0 KB। तो आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो स्पीड है वो दिखाई देगा। यहाँ देख सकते हैं जितनी स्पीड यहाँ पे मैं कुछ भी काम करूँगा वो सारा का सारा यहाँ दिखाएगा, ठीक है। बस ये एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होती है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप लोग का स्पीड वाला आइकन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है सभी फ़ोन में वर्क करती है। अगर आप लोग के फ़ोन में प्रोफेशनल ये जो है स्पीड मीटर नहीं है तो आप लोग ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड आ रही है हमारी जितनी, उतना यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि अगर आप लोग के फ़ोन में स्पीड मीटर नहीं है तो आप लोग स्पीड मीटर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अपने फ़ोन में स्पीड मीटर को इनेबल करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।